हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज आलमगीर। आज हम इस वीडियो में जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसा एक चीज है जो ज़्यादातर ट्रेडर शुरुआत में समझ में नहीं आते हैं उनको, और इसमें बहुत ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हम लोग ज़्यादातर फंडामेंटल, टेक्निकल, ये सब के बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन हर जगह आप सुनते होंगे कि साइकोलॉजी मार्केट का 80% रोल प्ले करते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी तरह फंडामेंटल एनालिसिस आता है, और मान लीजिए टेक्निकल एनालिसिस में आप बहुत ज़बरदस्त है, फिर भी अगर आपका साइकोलॉजी प्रॉपर नहीं है, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आप मार्केट में मुनाफा नहीं कर पाएंगे, एक गारंटीड है। तो आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जिस पार्ट को लेकर डिस्कस करेंगे वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड। देखिए, मार्केट में रिस्क है एंड रिवॉर्ड है, दोनों चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के ऊपर हम पढ़ेंगे। अगर आप मार्केट में आए होंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और किसको कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और दोनों में किस तरह बैलेंस रखा जाता है। देखिए दोस्तों, moneyinveststock.com ये हमारा वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट आप ज्यादा डिटेल्स के लिए इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है, किस तरह इसको डील किया जाता है मार्केट में। देखिए, मार्केट में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स दोनों ही है, देयर आर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड दो ही चीज है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट में रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ही है। अभी ये डिपेंड करते हैं हम कौन सी चीज को कितना डेप्थ में समझते हैं, और किसको किस तरह इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसको किस तरह यूज कर रहा हो हम लोग। तो इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में जो हमारा कॉमन अप्रोच होता है, जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर जो भी कहिए, जो हम आते हैं, हमारा जो माइंडसेट, हमारा जो थॉट होता है मार्केट के बारे में, वो क्या है? हमेशा हमें प्रॉफिट दिखता है। हर कोई यूट्यूब में बोल रहा है मैंने इतना प्रॉफिट किया, करोड़ों में, लाखों में, आपको हर जगह दिख रहा है, आपका दोस्त लोगों को दिख रहा है। इसलिए हम लोगों को हमेशा रिवॉर्ड दिखता है कि कहाँ पे प्रॉफिट है, और हम प्रॉफिट के लिए मार्केट में आते हैं। हम लोगों के अंदर बहुत जल्दीबाजी रहती है कि 15 दिन 20 दिन एक महीने के बाद ही हम प्रॉफिट करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि मार्केट उतना आसान चीज नहीं है, और बाकी जो प्रोफेशन है उसी के तरह मार्केट भी उतना ही टफ है मार्केट से पैसा कमाना। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कॉमन अप्रोच है ना, हम हमेशा रिवॉर्ड को देखते हैं, गलत है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट में एक बड़ा रिस्क भी है। ऐसे तो नॉर्मली रिस्क एंड रिवॉर्ड 50-50 है, लेकिन जब आपको रिवॉर्ड के बारे में पता है कितना प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन रिस्क के बारे में आप बिल्कुल ब्लाइंड हो, आपको पता ही नहीं है, तो आपके लिए ये रिस्क है ना बहुत बड़ा हो जाता है। तो तब आपके लिए मार्केट का रिस्क 80-90% पहुंच जाता है, जब रिस्क के बारे में आपका प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि इसीलिए आप देखेंगे कि आप सुनते होंगे कि मार्केट में 90% लोग नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि 90% लोगों को रिस्क के बारे में पता नहीं है, उन लोग ध्यान नहीं देते, पढ़ते नहीं, उनको किसी ने बताया नहीं, या उनको समझ में नहीं आता है, बताया भी होगा। मान लीजिए इसमें मैं बता रहा हूँ ना, ये वीडियो ज्यादा लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि रिस्क ऐसा टॉपिक है कि वो सुनना नहीं चाहते मार्केट में। मार्केट में हम हमेशा प्रॉफिट वाला कहानी सुनना चाहते। तो इसलिए ध्यान में रखिए, दोनों में बैलेंस रखना जरूरी है, दोनों को सही तरह समझना जरूरी है। अब मार्केट में रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ही है, लेकिन क्वेश्चन है कि मार्केट में हर कोई रिवॉर्ड के बारे में क्यों बात करते? क्योंकि वी सी व्हाट वी वांट टू सी, हमको उसी चीज दिखाई देते जो हम देखना चाहते। मार्केट में दोनों ही है, मार्केट में हम लोग रिवॉर्ड देखना चाहते, हम रिवॉर्ड के लिए मार्केट में आते, हमेशा वही बात सुनना पसंद करते, इसलिए हमें रिवॉर्ड दिखता है। अब YouTube में सर्च कीजिए, हर कोई आपको प्रॉफिट का कहानी बताएगा, कोई रिस्क कितना नुकसान किया वो नहीं बताएगा, शुरुआत में कितना नुकसान किया वो नहीं बताएगा। बहुत कम लोग बताते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं बताते, बहुत कम लोग बताते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप जो देखना चाहते हो वही देखो, आप इस तरह देखो कि मार्केट में क्या क्या है। आप अगर क्लियर थिंकिंग से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट में रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है, दोनों इक्वली रोल प्ले करते हैं, एंड 50-50 है। अब दोनों चीज को प्रॉपरली हैंडलिंग सीखना जरूरी है। अब किस तरह अप्रोच होगा, देखिए कभी कभी लोग आके पूछते हैं कि ऐसा कुछ बता दीजिए कि जो जीरो रिस्क हो, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट हो, जीरो रिस्क ट्रेडिंग स्टाइल हो और ट्रेडिंग मेथड हो। तब क्या है ना, एक क्वेश्चन सुन के ऐसा लगता है कि थोड़ी इस तरह एक्सप्रेशन आता है, क्योंकि मार्केट में जीरो रिस्क बोल के कुछ नहीं है दोस्तों। आपको कोई कुछ भी समझाए, कोई कुछ भी, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि मार्केट में जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टाइल और मेथोडोलॉजी 95% एक्यूरेसी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको झूठ बोल रहा होगा, आप ये समझ जाइए, आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट के पीछे मत भागिए, वो आपको मिलने वाला है नहीं,
हर चीज मार्केट में 50-50 है, हो सकता है तो 60%-40% है, और कभी कभी रिस्क ज्यादा है रिवॉर्ड कम है। तो आपको इस तरह एटीट्यूड रखना है कि मार्केट में रिस्क है, आपको रिस्क के बारे में समझना जरूरी है, नहीं तो मार्केट में आप काम नहीं कर पाएंगे। अब मार्केट में देखिए, फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें बहुत तरीके के रिस्क है, केवल ऐसा नहीं कि आप पैसा लेकर आए हो डूब गए, वो रिस्क नहीं है, उसके अलावा भी और काफी सारा रिस्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो ऑब्वियस बात है, आपका कैपिटल का रिस्क है। आप जो भी पैसा लेके आए हो, आप मेहनत से कमाए हो, उसका कुछ काम है, आप कुछ करने वाले हो। मैंने बहुत लोगों को जानता हूँ जो काफी मतलब मुश्किल से पैसा इकट्ठा किए, घर बनाएंगे, लैंड खरीदेंगे, बेटी का शादी कराएंगे, बेटा का या बेटी का स्टडी के लिए रखे होंगे, लेकिन मार्केट में ज्यादा लालच में आके केवल उनको रिवॉर्ड दिखता है, काम शुरू किए और जो पैसा था वो गंवा दिया। तो इस तरह आपका कैपिटल का रिस्क है। और उसके बाद क्या, फाइनेंशियल हेल्थ, आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ है दोस्तों, आप जो पैसा रखे हो कुछ काम के लिए रखे होंगे ना, तो नियर फ्यूचर में आप कुछ करने वाले होंगे, वो पैसा अगर चला गया तो आपका तो फाइनेंशियल हेल्थ गया, आप वो करने का लायक नहीं रहेंगे। और दूसरा चीज क्या है, अगर आपका उस पैसा का इमीडिएट काम भी नहीं है, फिर भी तो आपका मेहनत का पैसा है ना, नियर फ्यूचर उसका काम आएगा। आप ये तो नहीं चाहते हो कि आपका काम नहीं है मतलब डुबा दो, किसी को दे दो, इससे अच्छा कि आप किसी को दे ही दो। तो इसलिए आपका फाइनेंशियल हेल्थ डेंजर में है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, मेंटल हेल्थ। आप मान लीजिए कैपिटल गंवा दिया है, आप थोड़ी मेहनत करोगे तो पैसा आ जाएगा, फाइनेंशियल हेल्थ को आप सुधार लेंगे। जो मेंटल हेल्थ ना दोस्तों, हम लोगों का दिमाग में जो इसका असर होता है ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करते हैं, उसको सुधारना काफी मुश्किल है और वो काफी लंबा टाइम ले लेते हैं। ये जो हमारे अंदर गिल्टी फील आता है ना कि आप पैसा गंवा दिए हो, इतना बुद्धू हो या हम इतना उल्लू है, इस तरह अपने आप में एक तरस आता है, तो हम सोचते हैं कि हम कुछ करने का लायक नहीं है। आप जिंदगी में आगे जाके अगर कुछ सही तरह डिसीजन लेंगे और कुछ करने जाएंगे, मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करने वाले, तो भी आप डरेंगे, क्योंकि आप एक बार पैसा को गंवा चुके हो। तो ये होता है मेंटल हेल्थ, और इसका असर लंबा होता है, इससे निकालना काफी मुश्किल है। तो इसलिए आप सावधान रहिए, हमेशा रिस्क को ध्यान में रखिए, रिस्क के बारे में जितना हो सके स्टडी कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए, मार्केट में किस तरह रिस्क है, किस तरह उसको यूज किया जाता है अपना बेनिफिट के, किस तरह रिवॉर्ड को गेन किया जाता है, किस तरह रिस्क को मिनिमाइज करना होता है, ये सब आप सीखिए दोस्तों। तो इस तरह अलग अलग रिस्क है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अभी ये क्वेश्चन आता है कि दोस्तों, इतना रिस्क तो मैंने बता दिया, तो इतना रिस्क के बाद भी अगर कोई मार्केट में आता है तो क्यों आएंगे, जब जहां पे रिस्क ही रिस्क दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, केवल रिस्क ऐसा नहीं है, रिवॉर्ड भी है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। रिवॉर्ड उन्हीं को मिलता है जिनके पास नॉलेज है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, मार्केट छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुद नहीं छोड़ा, आप क्यों छोड़ेंगे, कितने सारे लोग पैसा कमा रहे तो आप क्यों छोड़ेंगे। लेकिन आपका जो अप्रोच है, आपका जो थिंकिंग है, माइंड सेट है, उसको आप सुधारिए, उसको आप इम्प्रूव कीजिए। मार्केट में काम करने के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है, वो आप गेन कीजिए पहले, उसके बाद आप पैसा लागे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, शुरुआत में आप पढ़ाई कीजिए दोस्तों, स्टडी, हम कुछ भी करते हैं स्टडी करते हैं ना। आप अगर डॉक्टर है तो आप स्टडी करके बने, आप अगर इंजीनियर हो स्टडी करके बनाए, आप अगर बिजनेसमैन हो, बिजनेस शुरू करने का, आप अगर मान लीजिए मास्टर्स किए, मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीए एमबीए जो भी कोर्स किए, पढ़ाई करके किए ना, जो मान लीजिए बिजनेस चला रहे बड़ा बड़ा, टाटा रिलायंस जो भी है, पढ़ाई करके चला रहे हैं ना। अगर किसी ने पढ़ाई नहीं किया तो उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई करना मतलब यूनिवर्सिटी जाना, कॉलेज जाना, पढ़ाई मतलब आप उसके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हो। आप घर में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो ना। रविंद्रनाथ टैगोर वो यूनिवर्सिटी थोड़ी गए थे, उनके पास कुछ डिग्री थे नहीं, लेकिन आप उसको क्या बोलेंगे, उनके पास नॉलेज नहीं थे, उन्होंने घर पे स्टडी किए। तब किसी भी तरह स्टडी कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि दिमाग में रखिए कि नॉलेज इज योर वेपन, आपका अल्टीमेट जो पावर है वो है नॉलेज, आपको नॉलेज जरूरी है। तो आप कैसे भी हो नॉलेज गेन कीजिए, रिस्क के बारे में नॉलेज गेन कीजिए, रिवॉर्ड के बारे में नॉलेज गेन कीजिए, मार्केट के बारे में नॉलेज गेन कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। आप नॉलेज गेन करने का अलग अलग तरीका है, मैं खुद बुक पढ़ता हूँ, शुरुआत में यूट्यूब वीडियो देखा, अभी काफी सारा बुक पढ़ता हूँ। आप बुक पढ़िए, आप अगर बुक नहीं पढ़ सकते हो तो यूट्यूब में वीडियो देखिए, यूट्यूब में बहुत सारा आलतू फालतू वीडियो भी, आप उनको देखिए जिनको प्रॉपर नॉलेज है, जो एक्चुअली जानते हैं, जिनको जिनके ऊपर आपका भरोसा है, ठीक है। आप ब्लॉग पढ़िए, आपका अगर जान पहचान वाला कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है जो जानते हैं मार्केट के बारे में, उनके पास सीखिए। अगर कोई नहीं है तो आप किसी का पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग खुद भी करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हमारे साथ ही करना है, जिनको आपको बिलीव है उनके साथ कर लीजिए। कुछ पैसा लगेगा ना, वो बहुत कम होगा आपके लिए, 5-10 हजार जो देंगे वो आपका लाइफ का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा।
क्योंकि आप अगर बिना नॉलेज में बिना सीख के मार्केट में शुरू करने जाएंगे ना, तो आप बिलीव कीजिए कि आप बहुत ज्यादा पैसा गंवाने वाले हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप स्टडी कीजिए, किसी भी एंगल से स्टडी कीजिए और नॉलेज गेन कीजिए। अभी आपके पास नॉलेज आ गया, आपको ये भी जानना है कि हाउ टू यूज इट। मान लीजिए कोई आपको एक वेपन दे दिया, कोई एक बंदूक दे दिया, आपको चलाना भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, प्रॉपर माइंड सेट चाहिए। तो इसलिए आपको साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। अब ये किस तरह होगा, देखिए दोस्तों, आप जो भी कुछ बुक पढ़े हो, किसी ने यूट्यूब में कुछ बता दिया कि ये ट्रेडिंग सेटअप है, आप उस पर स्टडी कीजिए, उसमें बैक टेस्ट कीजिए, उसमें फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, छोटी छोटी ट्रेड लेके देखिए। धीरे धीरे आपके पास वो एक्सपीरियंस आ जाएगा कि इस स्ट्रेटेजी में क्या कमियां है, क्या एडवांटेज है, उसको किस तरह यूज करना है। इस तरह आप कम से कम 1-2 साल या 3 साल उस पर काम कीजिए, तो आपके अंदर साइकोलॉजी डेवलप आ गया। देखिए दोस्तों, आपको ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको कोई नहीं दे सकते, मैं नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकते, आपको अपने आप गेन करना होगा। कोई आपको बता सकता है, लेकिन आपका अंदर का जो दिमाग का जो वायरिंग है वो हम थोड़ी ना चेंज करने वाले हैं, आपका जो थिंकिंग है वो थोड़ी ना चेंज करने वाले, वो आपको करना पड़ेगा। तो आप जब इसके ऊपर काम करेंगे, स्टडी करेंगे, अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर वो आएगा। मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि किस तरह स्विमिंग करते हैं आप हाथ पैर हिला के, किस तरह साइकिलिंग करते, तो इसका मतलब थोड़ी ना है आपको पानी में फेंक देंगे तो आप स्विमिंग शुरू कर देंगे, आपको साइकिल दे देंगे तो आप चला लेंगे। आपको जब फर्स्ट टाइम देंगे आप डूबेंगे, पानी पिएंगे, आप साइकिल चलाएंगे, गिरेंगे, टूटेगा, फूटेगा, काटेगा, उसके बाद धीरे धीरे आप सीखेंगे ना। तो दोस्तों, जिंदगी का हर चीज ऐसा ही होता है। तो इस तरह आप साइकोलॉजी डेवलप कीजिए, प्रॉपर अपने आप को ट्रेन कीजिए उसके बाद। और इसके लिए एक चीज ध्यान में रखिए, इसके लिए टाइम दीजिए दोस्तों। हम लोग कोई भी मार्केट में आता है ना, बहुत जल्दी में रहते हैं हम लोग, 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद हम प्रॉफिट कमाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर चीज में टाइम चाहिए। आप अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हो, 3-4 साल दिए होंगे ना, मास्टर्स किए हो, 2 साल दिए होंगे ना, उससे पहले क्या, ग्रेजुएशन से पहले आप कितने साल दिए होंगे, कम से कम 12 साल दिए होंगे। 12 साल स्टडी करने के बाद ही तो आप ग्रेजुएशन, क्लास 12 पास करेंगे ना, 12 साल में फिर ग्रेजुएशन में जाएंगे। तो देखिए, एक लंबा प्रोसेस होता है। मार्केट अलग नहीं है, मार्केट के बारे में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए हमारे अंदर गलत फहमी रहता है कि मार्केट आसान है। कुछ अनपढ़ लोगों को, मतलब ऐसा गलत मत समझे, जो यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है उनको हम प्रॉफिट कमाने देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसमें स्किल का जरूरत नहीं है। अब उनको देखिए, वो कितना साल मेहनत किए, जिनको जो यूनिवर्सिटी में नहीं गए हुए, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन वो मार्केट का नॉलेज रखते हैं इसीलिए प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो 5-10 साल स्टडी किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, काफी मेहनत किए होंगे, तब वो उस जगह पे पहुंचे। तो इसलिए आप इसको टाइम दीजिए धीरे धीरे। जैसे कि कहावत है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम जो एम्पायर था, अब जो रोमन एम्पायर था, वो एक दिन में बना नहीं है, वो कई सालों का मेहनत है, कई सारा उनका किंग आए हैं, गए हैं, कुछ बनाए होंगे, तो इस तरह धीरे धीरे डेवलप हुआ ना। तो आप हर चीज के लिए टाइम देना चाहिए, तो मार्केट को भी आप टाइम दीजिए। अगर देखिए दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा पहला 3 साल ना मैंने प्रॉफिट नहीं कमा पाया, उसके बाद ही मैं प्रॉफिट कमाने लगा। लेकिन बिलीव कीजिए, मैंने इतना स्टडी किया, ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं 4-5 घंटा मार्केट के ऊपर स्टडी नहीं करता था। दिन भर चार्ट देखता था, दिन भर स्टडी करता था, यूट्यूब वीडियो, ऐसा कुछ वीडियो नहीं था उस तक जो मैंने देखा नहीं था। तो ये 3 साल का मेहनत मैंने किया, मैंने पीएचडी डिग्री लेके बैठा हूँ, मैं फिजिक्स में किया हूँ, स्टिल मुझे 3 साल लगा। ऐसा मैंने काफी सारा जो सक्सेसफुल टॉप मोस्ट वर्ल्ड का इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उनका लाइफ के बारे में मैंने पढ़ा, ऐसा किसी कोई नहीं मुझे मिला जो एटलीस्ट 3-4 साल उनको नहीं लगा मार्केट में प्रॉफिटेबल जोन में आने के लिए। उसमें तो ऐसा भी कुछ ग्रेट ट्रेडर है, मान लीजिए मार्क मिनर भी नहीं हो गया, और कई सारा मुझे नाम याद नहीं है, आप ये मार्केट विजार्ड बुक पढ़ लीजिएगा, उसमें काफी सारा एग्जांपल मिल जाएगा, जिनको 7-8 साल लगा, कुछ लोगों को 10 साल लगा, उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट किया। तो लोगों को 3-10 साल तक टाइम लग सकते हैं। तो आप किस बेसिस पे आप सोच रहे हो कि आप 3 महीने बाद प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो प्रैक्टिकल होइए, तो आप इसको टाइम दीजिए, धीरे धीरे डेवलप होगा, आप इसमें काफी मेहनत कीजिए जितना हो सके। आप अगर पैशनेट हो ना मार्केट के बारे में, तो आप ये पढ़ाई करने में थकेंगे नहीं, आप जारी रखेंगे। तो इसलिए हमेशा रिवॉर्ड की तरफ दोस्तों मत देखिए, रिस्क है, उसके बारे में स्टडी कीजिए, इसको टाइम दीजिए, नॉलेज लीजिए, और धीरे धीरे आप उस जोन में आ जाएंगे जरूर जब इंसान प्रॉफिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैसेज मैं यहाँ पे देने का कोशिश किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो कॉमेंट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वेबसाइट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर तरह लिंक दिया हुआ, फोन नंबर दिया हुआ, आपको चाहिए तो हमारा ट्रेनिंग के लिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारा ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।